मध्य प्रदेश की जीवन धारा नर्मदा नदी। इस नदी की गहराई में मिलने वाले अद्भुत अलौकिक नर्मदेश्वर शिवलिंग। लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी हो गई। नई कहानी वो है जिसकी तलाश में हम नदी की धार में सवार होकर निकले थे। ये कहानी है नर्मदा नदी पर बने एक नए टापू की। दृश्यम की टीम को उस इलाके से जुड़े लोगों ने जानकारी दी और बताया कि उस टापू के पास अचानक कुछ अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुए हैं। पानी की गहराई में सैकड़ों फीट नीचे अभी कुछ समय से नर्मदा जी में अब तो बड़े बड़े आकार के शिवलिंग मिलने लगे हैं। पहले छोटे मोटे मिलते थे लेकिन अब एक जगह से ही बड़े बड़े शिवलिंग मिल जाते हैं। नर्मदा के अंदर से शिवलिंग निकलते हैं और वहां पर हर कंकर में शंकर है। इस बार दृश्यम में हम जिस जगह पर पहुंचे हैं उस जगह को लेकर आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ये नर्मदा नदी है, वही नर्मदा नदी जिसके हर कंकर पर भगवान शंकर के होने का दावा किया जाता है। आप सबने ये भी सुना होगा कि नर्मदा नदी के नीचे से शिवलिंग मिलते हैं, हो सकता है आपने देखा भी हो। जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो हम दिखाते हैं। नर्मदा नदी की तलहटी में कुछ अद्भुत शिवलिंग निकले हैं। ऐसे शिवलिंग जो नर्मदा के सिवाय दुनिया की किसी नदी में नहीं मिलते। शिवलिंग पर कुछ दैवीय आकृतियां बनी होती हैं। कभी त्रिकोण, कभी ओम, कभी जनेऊधारी, तिलकधारी, कहीं गणेश तो कहीं खुद महादेव। पौराणिक कथाओं में इन्हें बेहद पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा गया है। इसकी खासियत यह होती है कि नर्मदा जी को आशीर्वाद है, जिसमें कि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है और नर्मदा के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है। वह स्वयंभू शिवलिंग है जिसमें कोई किसी पंडित द्वारा आपको प्राण प्रतिष्ठा करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जिस टापू की तलाश में हम निकले थे वहां इससे भी विशाल, इससे भी अद्भुत, इससे भी हैरतअंगेज शिवलिंग का दावा हुआ था। जब हमने ये सुना तो हमने ये जिद ठानी कि हम भारतवर्ष को वो दृश्यम जरूर दिखाएंगे। हमने अपना सफर शुरू किया और अब हम धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचेंगे जहां एक साथ 36 करोड़ देवी देवताओं के होने के प्रमाण मिलते हैं। हमें अब तक जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में सदियों से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते आ रहे हैं। लेकिन उसी जलधारा से कुछ दूरी पर कहीं एक टापू है जिसकी गहराई में पिछले कुछ वक्त से विशालकाय शिवलिंग मिलने शुरू हुए हैं, जिसमें राम, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुड़ समेत लगभग सभी 33 करोड़ देवताओं की आकृतियां दिखाई देती हैं।
सुनकर अचंभा सा लगा कि नर्मदा की गहराई में पूरा देवलोक मौजूद है। खैर, इसी अचंभे के साथ हम खरगोन पहुंचे। सोचा नए और पुराने शिवलिंग का फर्क दिखाना है तो शुरुआत बकावा गांव से करते हैं, जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलना आम बात है। जैसे कि वहां पर आप चलेंगे तो अनगिनत बहुत सारे अरबों करोड़ों की संख्या में है शिवलिंग। कुछ में आकृतियां ढूंढने पर अच्छे भी मिलेंगी। जैसे भगवान शिव की असीम कृपा है वहाँ पे। जो कुछ लोग ही जा पाते हैं वहाँ पर, तो हम जाएंगे नाव के द्वारा जाएंगे। थोड़ा दिक्कत रहता है मगर चले जाएंगे, ले चलेंगे आपको। चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और नर्मदा नदी का हल्के हरे रंग में रंगा पानी। नदी के भीतर झांकते तो हल्के फुल्के कंकड़ों के सिवाय कुछ नहीं दिखता। समझ में आ चुका था कि इस दृश्यम को देश के सामने लाने के लिए हमें तमाम कैमरे और उपकरणों के साथ पानी की गहराई तक जाना होगा। लेकिन उससे पहले जरूरी था शिव और नर्मदा से जुड़ी कहानी को समझना। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि तप में लीन महादेव के माथे से पसीने की एक बूंद टपकी, जिसने नर्मदा नदी का रूप ले लिया। पौराणिक कथाओं में देवी नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा गया है। कथाओं के मुताबिक नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर के वास का वरदान भी महादेव से ही मिला था। कुछ देर बाद हमारी नाव बकावा गांव के किनारे से गुजर रही थी। सामने वो इलाका भी दिखाई दिया जहां सालों से शिवलिंग मिलते रहे हैं। इधर से निकलना, इधर से बीच से, बीच से, ये वाला हिस्सा, इससे, इससे। हो सकता है हमारी खोज यहीं पूरी हो जाए, शायद वो शिवलिंग मिल जाए जिन्हें नर्मदेश्वर का नया अवतार बताया जा रहा है। तो शुरू करते हैं हम, और सबसे पहले हम पहुंचेंगे उस हिस्से में जिस हिस्से को लेकर हमें यह कहा गया है कि वहां तो आज से नहीं बहुत पहले से ही शिवलिंग मिलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। त्रिपुंड, तिलक, श्री गणेश और ओम आकृतियों वाले शिवलिंग यहां पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हमें तलाश थी उन नए शिवलिंगों की जो दावे के मुताबिक कुछ वक्त पहले ही प्रकट हुए हैं। फाइनली अब हम उस जगह तक पहुंच गए हैं। यही वो जगह है, नर्मदा नदी का वो हिस्सा जिस हिस्से को लेकर भी ये कहा जाता है कि यहाँ भी शिवलिंग मिलते हैं। हालांकि पानी का बहाव काफ़ी तेज है और देखने में ये बहुत गहरा लग रहा है, इसीलिए और यहीं से हमें वो सभी आकार ढूंढने हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम इस सनग्लास को उतार दें और उस जगह पर ये लगाएं, इसलिए क्योंकि पानी में हमें सांस लेने में और उन पत्थरों को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। महादेव का नाम लेकर हमने नदी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर का नजारा अद्भुत था। रंगीन मछलियों की एक रंगीन दुनिया सामने थी।
चारों तरफ देखते रहे, लेकिन किसी तरह का कोई शिवलिंग नहीं मिला। बहुत कोशिश के बाद भी हमें वो शिवलिंग मिल नहीं रहा। एक बार और मैं कोशिश करता हूँ कि हमें वो शिवलिंग किसी भी तरह से मिल जाए। मान्यता के मुताबिक नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग है, लेकिन हम जिन पत्थरों की तलाश कर रहे थे उन्हें नदी की धार तराशती है। देर तक गोता लगाना मुश्किल था, एक तय समय के बाद बाहर निकलना पड़ता था। इस तरह शिवलिंग खोजने की हमारी कवायद जारी रही। तभी दूर कुछ दिखा जिसमें बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग चमक थी। ये एक छोटा शिवलिंग था। ये आखिरकार ये पहला बहुत छोटा सा शिवलिंग है, लेकिन इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग की तरह है। यह हमें काफी देर तक अलग अलग जगहों में तलाश करने के बाद ये मिला है। तो ये हमारी पहली कोशिश है और हम अपनी कोशिश फिर से जारी रखते हैं। पहले शिवलिंग को नाव पर रखकर हमने फिर गोता लगाया, तब दो शिलाएं और मिली। एक की आकृति अलग थी, लेकिन दूसरे का आकार शिवलिंग जैसा था। दो ऐसे और पत्थर हमें मिले हैं। ये बिल्कुल लाल है। इसका आकार कुछ खास नहीं है, सामान्य पत्थर की तरह है, लेकिन ये जो है ये दूसरा ऐसा शिवलिंग है जो हमें यहाँ गोते लगाते हुए मिला है। ये दूसरा शिवलिंग है। इस इलाके में कुछ देर और हम तलाश करेंगे। लगता है किस्मत और वक्त दोनों हमारे साथ थे। नर्मदा नदी की गहराई में एक साथ कई छोटे शिवलिंग मिले। और तलाश करते करते मुझे ऐसा लग रहा कि हमारा निशाना सही लग गया। एक साथ तीन वैसे ही शिवलिंग मुझे मिले हैं जो दो इससे पहले मिले थे, और उसमें ये वाला ये सबसे खास है। इसके एक हिस्से में देखिए ऐसा लग रहा है जैसे चंदन किया हुआ हो, और नीचे वाले हिस्से में एक अलग तरह का रंग है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शिवलिंग हो। ठीक वैसे ही ये भी बिल्कुल आकार में वैसा ही है, लेकिन
इसके बीच में जो ये रंग है ये ऐसे चंदन की तरह लग रहा है, या फिर आप ऐसे देखिए तो ये लगेगा कि किसी पहाड़ के तरह, या फिर आप ऐसे देखिए तो लगेगा कि किसी के माथे पर ये त्रिपुंड किया हुआ है। वैसे ही ये वाला शिवलिंग, इसके नीचे वाले हिस्से का रंग दूसरा है, इसके ऊपर वाले हिस्से का रंग दूसरा है, और दोनों रंग यानी इसको आप ऐसे भी देखिए कि इस पत्थर में ये ऐसे अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ये किसी पहाड़ की चोटी की तरह है, और ठीक इसको अगर आप उल्टा करके देखें तो भी आपको लगेगा कि ये वैसा ही है। आकृतियां बताती हैं कि ये सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग थे, लेकिन हम ये नहीं कुछ और खोज रहे थे जो इनसे कई गुना बड़े हैं और उन पर अद्भुत आकृतियां बनी होती हैं। पहली कोशिश में हम नाकाम रहे, वो शिवलिंग हमें नहीं मिले। अब हमारी पड़ताल यहां से आगे जाएगी और अब हम उस जगह पर चलेंगे जिस जगह पर यह दावा किया जाता है कि इससे बड़े शिवलिंग हमें मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये बात की बात है, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और यहीं से अपने नाव के सहारे हम उस जगह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। नर्मदा बहुत बड़ी नदी है, शिवलिंग मिलने वाली जगह का दायरा भी 100 किलोमीटर का है। अकेले कब तक भटकते? फिर हमने उस शख्स को फोन करके बुलाने का फैसला किया जिनका दावा हमें यहां तक खींच लाया था। हेलो, मैं आकाश वत्स बात कर रहा हूँ। अच्छा आकाश जी बोले, अच्छा दृश्यम से? जी मैं दृश्यम से बात कर रहा हूँ। जी 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 बताइए। मैं नर्मदा नदी में हूँ। अच्छा आप बकावा आ गए क्या? हाँ मैं बकावा पहुँच गया, आप मुझे कहाँ मिलेंगे? आप एक काम करिए, बकावा में जो घाट है ना उसे आगे एक टीला है, वहाँ पर हम लोग मिलते हैं, मैं भी बस आ ही रहा हूँ। बकावा गाँव के घाट के आगे जो टीला है उस टीले के पास, तो वहाँ उसके आगे या वो उसके आसपास मुझे क्या क्या दिखेगा? वहाँ पर आपको दिखेगा दो तीन ऐसे टापू जहाँ पहाड़ है, और वहाँ पर आप साइड में रुक जाइए क्योंकि वहाँ पानी का फ्लो भी ज्यादा है, तो साइड में रुकना मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो आप कितने देर में वहाँ पहुँच जाएंगे? बस एक 10 मिनट मुझे और लगेंगे। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ 10 मिनट में। डॉक्टर मिश्रीलाल शाह नर्मदेश्वर शिवलिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने आगे नदी के एक मोड़ पर मिलने का वादा किया। हम उसी तरफ जा रहे थे। बकावा गांव से आगे बढ़े तो पत्थरों का टीला दिखाई दिया। नाविक ने बताया यहां से बड़े पैमाने पर शिवलिंग निकाले जाते हैं। पत्थरों से लदी चोटियां बहुत दूर से नजर आने लगती हैं। आप बकायदा देख सकते हैं कि कई छोटी छोटी चोटियां दिखती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये टापू काफी दूर में फैला हुआ है, और इसके ठीक नीचे जिस हिस्से में मैं हूं उस हिस्से में काफी गहरा पानी है। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप इस जगह पर आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ आना हर किसी के बात बस की बात नहीं है। बावजूद इसके लोग यहाँ पहुँचते हैं, आसपास के लोग जिनको तैराकी आती है वो यहाँ पहुँचते हैं और शिवलिंग की तलाश करते हैं। हम नर्मदेश्वर शिवलिंग के जिस नए अवतार की खोज में निकले थे वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि नर्मदा के गर्भ में मिलते हैं, लेकिन कहाँ किधर ये तो वही बताएगा
जिसके कहने पर हम यहां तक आए थे। मिश्रीलाल हमें तय जगह पर खड़े मिले। एक्सपर्ट को साथ लेकर हम एक बार फिर नर्मदा नदी की लहरों पर सवार हो गए। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं? अरे वाह, अब हमारे साथ वो शख्स था जो नर्मदा के हर कंकड़ की पहचान रखते हैं। मंजिल की तरफ रवाना होने से पहले हमने नदी से मिले छोटे शिवलिंगों को दिखाया। और मैं आपसे मिलने से पहले अच्छा कुछ शिवलिंग भी लाया हूँ, ये देखिए। दिखाओ दिखाओ ये। अरे वाह भाई, अच्छा ये तो छोटे साइज के शिवलिंग हैं। ये तो पास के टापू से ही आपको मिल गए होंगे। सामान्यतः हमारे आसपास के टापुओं में मिल जाते हैं जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, पर मैं जिस टापू की आपसे बात कर रहा था वहाँ पहुँचना इतना दुर्लभ है, मतलब आप बगैर सेफ्टी के जा नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ वो, किस तरफ है ये? आप देखो वो थोड़ा सा दूर आपको दिख रहा है ना? वो वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ दो तीन टापू हैं जो हर तरह के और बड़े बड़े शिवलिंग भी पाए जाते हैं। हम टापू की तरफ बढ़ते जा रहे थे एक उम्मीद के साथ, शायद हमारा ये सफर एक बहुत बड़ी खोज को अंजाम देने वाला था। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही थी, उस टापू के बारे में सबको जानकारी क्यों नहीं है? सबसे पहले आपको किसने बताया है उस जगह के बारे में? सबसे पहले आपको किसने बताया? केवट समाज के लोग हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी थी। कुछ घंटों के सफर के बाद हमें हमारी मंजिल नजर आने लगी। उस टापू की पहली झलक मिली। इस झलक ने हमारी बेताबी बढ़ा दी। वो जो टापू है, उसी टापू के पास ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं शिवलिंग के आकार के, जिसके ऊपर राम का नाम लिखा है। ऐसा आप सबने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, देखा है, ऐसा रामेश्वरम में होता है। ऐसा इस जगह पर, मध्य प्रदेश के इस जगह पर मैंने कभी ना तो सुना ना देखा, और दावा तो यह है कि अब तक किसी ने नहीं देखा है, कोई गया भी नहीं है। तो अब हम बहुत जल्द उस जगह पर पहुंचने वाले हैं, हम बहुत करीब आ गए हैं। और जैसे ही हम और ऊपर पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि वो और साफ मुझे दिखाई दे रहा है। भैया तेज चलाना, जल्दी चलना है, जल्दी। जैसे ही करीब पहुंचे सारा जोश ठंडा पड़ गया। ये कोई एक टापू नहीं, छोटे टापुओं का समूह था। यहां शिवलिंग खोजना भूसे में सुई तलाशने जैसा था। नदी भी गहरी थी, लेकिन हमने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। हम गोता लगाने के लिए तैयार थे। नर्मदा नदी के इस वाले हिस्से में, ये वही हिस्सा है, इस वाले हिस्से में ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो ना तो आपको गंगोत्री में मिलेगी, ना तो आपको यमुनोत्री में मिलेगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बिना देर किए हम फटाफट चलते हैं नदी के अंदर और देखते हैं कि कहां कहां हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है। हम एक बार फिर नर्मदा नदी की गहराई में थे। यह इलाका पहले से भी गहरा था। क्या यह वही शिव संसार था जिसकी खोज में हम भटक रहे थे? यह तभी पता चलेगा जब अनदेखी आकृति वाला कोई शिवलिंग मिलेगा। ज्यादा देर भटकना नहीं पड़ा, एक शिवलिंग दिखा जो थोड़ा बड़ा था।
थोड़े बड़े आकार के शिवलिंग है और इस शिवलिंग की आप खासियत कहिए या फिर नर्मदा नदी की पहचान कहिए, इसमें ऐसी आकृति दिख रही है जैसे लग रहा है कि यह अग्नि का ज्वाला हो ये। और फिर नीचे वाले हिस्से में आप देखेंगे तो नीचे वाले हिस्से में भी ऐसा ही लग रहा है। ये आकृति हमने तो पहली बार देखी थी, सही परख तो एक्सपर्ट करेंगे। अरे मिला कुछ आपको? अरे वाह, आराम से आराम से, गहरा पानी है, आराम से आराम से, देखिए देखिए संभल के। अरे बोले बोले, ठीक है, मिला मिला कुछ आपको। ये क्या है? अरे मेरे को देखने दो, इसको सांप आकृति कर ले। ये अग्नि ज्वाला शिवलिंग है, इसमें आप देखो पूरा अग्नि सरीका है इसमें, और ये प्राकृतिक शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। जानकार ने भी मुहर लगा दी, ज्वाला के आकृति वाला शिवलिंग पहली बार मिला था। यानी हम नर्मदा नदी के उसी हिस्से में थे जहां नर्मदेश्वर शिवलिंग के नए अवतार मिलने का दावा किया जाता है। कुछ दूरी पर हमें दूसरा शिवलिंग मिला। ये एक और शिवलिंग हमें मिला। इस शिवलिंग की खासियत यह है कि कहते हैं कि ये भगवान शंकर के शरीर पर जनेऊ है, ये इसका प्रतीक है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये नहीं है, हमारी कोशिश है उस जगह तक जाने की, क्योंकि ऐसे शिवलिंग पहले भी नर्मदा नदी में मिले हैं, ऐसे शिवलिंग पहले भी कई लोगों के हाथ लगे, कई गोताखोर उससे निकाले नदी के नीचे जाकर। लेकिन जो दावा किया गया है हम उसकी पड़ताल करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ऐसे और कितने शिवलिंग हमारे हाथ लगते हैं। फिर से एक बार नदी के निचले हिस्से में अब जाने की कोशिश करते हैं। ये वो नहीं था जिसकी हमें तलाश थी, जनेऊधारी शिवलिंग पहले भी मिलते रहे हैं। हमें तिलकधारी और कुछ छोटे शिवलिंग मिले। आगे ओम लिखी हुई एक शिला भी थी, ये आकृतियां भी लोग पहले देख चुके हैं। अचानक एक बड़े पत्थर के पीछे शिवलिंग मिला। इसका रंग नीला था, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ साधारण सा नहीं दिख रहा हो। इसकी बनावट तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन इसके ऊपर जो ये रंग और जो आकृति दिख रही है, ऐसे रख दें तो पानी के ही रंग का, ये ऊपर के पता नहीं ये क्या है। कहीं ये नीलकंठ शिवलिंग तो नहीं? वो तो बहुत ही दुर्लभ होता है।
मिला कुछ? अरे वाह, लाओ इधर लाओ, आराम से आना आपने, आराम से। कुछ न कुछ तो मिला है, आराम से देखना, हाथ दे दो मेरे को एक, देखिए आराम से संभल के, ठीक है? कौन सा रंग है ये, कैसा अजीब सा रंग है ये? इसको ग्रीन कलर बोलते हैं हम, हमारी इसमें ये नीलकंठ महादेव है। ये भोलेनाथ जी ने जैसे विष का पान किया था ना, कंठ में आ गया था, ये नीलकंठ महादेश्वर है। इसको नर्मदेश्वर नीलकंठ शिवलिंग बोला जाता है हमारी भाषा में, और ये बहुत दुर्लभ होता है। आप भाग्यशाली कि आपको मिला है। नर्मदा नदी की गोद में इस बार जो मिला था, इसकी कल्पना तो हमने भी नहीं की थी। जैसा हमें बताया गया था, अगर उसे माने तो हम जिस चीज की तलाश में थे शायद वो पूरी हो गई है। ये बताया गया था, ऐसी तस्वीरें दिखाई गई थी और बताया गया था कि ये अर्धनारेश्वर है। अब इसके धार्मिक कारण, धार्मिक बातें जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इस हिस्से में इसे देखकर मैं खुद बहुत हैरान हूँ। इस जगह से हमें और भी शिवलिंग मिले, सभी आकार में एक जैसे थे। हम सबको नाव पर रखते गए। तलाश पूरी होने के बाद सबको एक एक करके समझेंगे, हमारी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। सबसे बड़े और सबसे अद्भुत शिवलिंग की तलाश जारी थी, कुछ ऐसा जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। पानी के अंदर तैरते हुए हमने नर्मदा नदी में एक लंबा फासला तय कर लिया था। इस दौरान हमने नदी की गहराई में नर्मदेश्वर शिवलिंग की वो दुनिया देखी जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। कहते हैं शिव के इस अद्भुत संसार में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अचानक हमारी निगाह एक जगह थम गई। ये तो बहुत बड़ा शिवलिंग था, अभी तक का सबसे बड़ा। आकृति भी सबसे अलग थी। हमने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन उसे हिला भी नहीं पाए। नीचे एक विशाल और बड़े आकार का पत्थर है, लेकिन उसका रंग और उसके ऊपर जो आकृति बनी है वो आप कुछ चौंकाने के लिए काफी हुआ। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कि मैं इसे बाहर लाऊं। ये अकेले के बस का नहीं था, एक और आदमी की जरूरत थी। सही, मैं
मेरी कोशिश असफल साबित हुई। पानी से बाहर निकलकर हमने मदद के लिए आवाज लगाई। इधर आओ, एक मिनट। हमारी आवाज सुनकर नाविक ने पानी में छलांग लगा दी। यहाँ एक नीचे बहुत अद्भुत पत्थर है, बहुत बड़ा है, मुझे बाहर नहीं निकल रहा। एक बार कोशिश करो, नीचे नीचे चलो। ये अपने आप में ही बहुत अनोखा दिख रहा है, बहुत अद्भुत दिख रहा है। इसके ऊपर कुछ ऐसी आकृतियां वैसे ही बनी है, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा है। हमने सभी शिवलिंग को सामने रखा और एक एक करके सभी शिवलिंग को जानकार को दिखाया। इस आकृति के बारे में तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। ये जो आपने मुझे बताया था, जैसे आपने दावे किए थे, देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे कृष्ण भगवान अपने आसन पर बैठे हैं। देखिए आप, पूरा आपको दिख रहा है जैसे कृष्ण भगवान अपने आसन पर बैठे हैं और पूरा छत्र है। ये तस्वीर चौंकाने वाली थी। जो शख्स सालों से नर्मदा नदी में शिवलिंग खोजने का काम कर रहा है, उसने भी पहली बार श्री कृष्ण की आकृति वाला ये शिवलिंग देखा था। अर्धनारीश्वर रूप को देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये पत्थर आपने तो अरे बाप रे, अद्भुत चीज निकाली है। इसको हम अर्धनारेश्वर बोल सकते हैं। आपने भी इसे पहली बार देखा? हाँ, इतना बड़ा पत्थर नहीं, अर्धनारेश्वर आते हैं, बाकी छोटे साइज में आते हैं। अच्छा, इस आकार में अर्धनारेश्वर आपने पहली बार देखा? पहली बार देखा है। भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ की छाप वाला शिवलिंग भी पहली बार दुनिया की नजरों में आया था। इसमें आप देखिए गरुड़ भगवान, भगवान विष्णु के। अच्छा, गरुड़, ये गरुड़ है। हाँ, भगवान विष्णु के वाहक जो होते हैं ना गरुड़ भगवान, सेम उनके हमें छवि इसमें दर्शन हो रहे हैं। ये वही नर्मदेश्वर शिवलिंग थे जिनकी तलाश में हम भटक रहे थे। शिव संसार की ये निशानियां पहली बार दुनिया के सामने आई थी। और कोशिश करते तो और शिवलिंग निकलते, लेकिन शाम होने लगी थी। हम सभी शिवलिंग को वापस नर्मदा नदी में समर्पित करके लौट गए। लेकिन सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहे थे। नर्मदा नदी में दैवीय आकृतियों वाले शिवलिंग पहले से मिलते रहे हैं, ये नई आकृतियां कब और कैसे सामने आईं? कहीं न कहीं भौगोलिक स्थिति चेंज हुई थी। भूकंप के झटके जो आए थे तो जो नीचे की प्लेटें हैं वो ऊपर की ओर आई थी। उसकी वजह से इस क्षेत्र में 100 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको रंग बिरंगे कलर वाले पत्थर मिलेंगे। आस्था कहती है ये सब महादेव शिव और मां नर्मदा का चमत्कार है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग का भी दूसरा पहलू है। विज्ञान कहता है
ये सब नदी के बहाव और पत्थरों के आपसी टकराव का नतीजा है। और ये सब बकावन विलेज जो मध्य प्रदेश में है वहीं पे पाया जाता है, वो नदी के उस इलाके में पाया जाता है, तो पर्टिकुलर जियोलॉजिकल कंपोजिशन जो है रॉक्स की और सॉइल्स की वो वहीं पे पाई जाती है, इसी से उससे बनता है। और जो शेप उसकी बन रही है वो तो मिलियन ऑफ इयर्स जो पानी चल रहा है और जो उसको रोल कर रहा है, स्टोन रोल करते हैं, उससे वो शेप बनती है। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा कहते हैं तो कुछ इसे चमत्कार से जोड़ते हैं। ये जो भी था अद्भुत था, और नर्मदा की इस अद्भुत दुनिया के दृश्यम को हम पहली बार दुनिया के सामने लाने में सफल रहे।